बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। इसी बीच जदयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जो विधायक अपने क्षेत्र में फेल हैं वही कह रहे हैं कि शराबबंदी फेल है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी और आरजेडी में अगर कोई सेटिंग चल रही है तो उसका भी खुलासा हो जाना चाहिए। क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले पर गुलाम रसूल बलियावी की तरफ से, सुनाते हैं हम आपको। डैमेज, अटैक, रोड एक्सीडेंट से कितने लोग मरते थे और आज क्या है? पहले लोग पढ़ें, समझें। पॉपुलैरिटी के लिए, खबरों में बने रहने के लिए कुछ लोग बयान देते हैं। माननीय विधायक की एक गरिमा होती है, उसी शराबबंदी कानून के बल पर महिलाओं ने वोट दिया था जो जीत करके लोग पटना पहुंचे हैं, वरना चाय खाना और चट्टी ही रह जाता भाग में। और ये जितना लोग बोल रहे हैं ना कि शराब कानून वापस लीजिए, उनके क्षेत्र की महिलाएं समय का इंतजार कर रही है कि बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार जी ने हम गरीबों के घर का वातावरण ठीक किया, बच्चियां शिक्षा की तरफ बढ़ी, घर में खुशी का माहौल बना, पति मेहनत मजदूरी करके बजाय एक क्रूर चेहरा और मार धाड़ का जो शैली लेके आता था, अब वो फल सब्जी दूध बच्चों से प्यार से बात करता है। तो ये घर उजाड़ने वाले लोग हैं और शराबबंदी कानून घर बसाने वाला। अब अगर कोई नशा में रहे और कुछ बोले तो उसका तो कोई इलाज नहीं।